Hi, this is Tanaza Rani and you're watching me on Telebytes. Subscribe and click the bell icon for television updates. बुक्स के बारे में जितना भी कम बोला, मतलब जितना भी बोला जाए उतना कम है, बिकॉज बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल दूसरी दुनिया में ले जाती है, और अगर आप इससे वाकिफ नहीं हो जो मैं कह रही हूँ, दैट मीन्स यू नॉट रेड अ बुक. इट्स ट्रूली अमेजिंग, क्योंकि आपके इमेजिनेशन को वो दोहराता है, यू नो, लाइक मेक्स इट रन. आज की बुक लॉन्च है रेवन रेडवुड एंड द सिक्स वंडर्स. एक लड़की के बारे में लिखी गई है, एक लड़की ने, GIM. और ये बुक में जो लड़की है उसके पास सुपर पावर्स है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राइटर है वो ही एक सुपर गर्ल है, बिकॉज वो सिर्फ 14 साल की है और वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी शी इज रिटन. आई हैव रेड इट. मैं डेफिनेटली एक बुक लिखने वाली हूँ, और शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन बट आई एम अ वेलनेस कोच, अ मोटिवेशनल स्पीकर, वुमेन एम्पावरमेंट पे आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच. सो डेफिनेटली मेरी बुक एक ऐसी धमाकेदार बुक होगी जो आपको अपने लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज शिट हैपन्स इन एवरी वंस लाइफ, एवरी वंस लाइफ. या तो आप मिलियनेयर हो, या तो आप बहुत गरीब हो, या आप मिडिल क्लास हो, सबके लाइफ में कोई ना कोई शिट चल रही है, कोई ना कोई तकलीफ चल रही है. लेकिन जैसा चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, आपको बाहर से लग रहा होगा कि ओ माय गॉड, इसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर वही शख्स जानता है कि उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है. सो दैट्स व्हाट माय बुक इज़ गोना बी ऑल अबाउट, हाउ यू कैन हैव बी इन द डीपेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बट स्टिल हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम, यू शुड नॉट बिकम द प्रॉब्लम. बायोग्राफी, आई थिंक आई राइट इट ऑन माई मदर. एक्चुअली मैं एक पारसी हूँ. हम लोगों ने हमारे घर में रक्षाबंधन कभी नहीं सेलिब्रेट किया है, लेकिन ऑफ कोर्स आजकल तो एवरीवन इज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग एवरी फेस्टिवल. सो पारसी क्या, हिंदू क्या, आई मीन एवरीथिंग इज अगर इंडियन. एंड यस, मेरे बच्चे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं. मेरा भाई अमेरिका में है, सो मैं भेजती हूँ वहाँ पर, सो वी डोंट मीट फिज़िकली, बट मेरे बच्चे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं बहुत खुशी के साथ. एंड हमेशा मैं ही प्रेजेंट लेकर आती हूँ, एंड मैं ही सब कुछ करती हूँ. बट दिस ईयर, बिकॉज दोनों झगड़ा कर रहे हैं, आई थिंक दे डोंट वॉन्ट टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन. लेकिन दिस इज़ गोना बी माई बिगेस्ट चैलेंज दिस ईयर टू मेक देम सेलिब्रेटेड अगेन. यू नो, हर एक स्टेज आप जिस तरह से जी रहे हैं, एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ अ डिफरेंट बुक विल टॉक टू यू. सो आजकल वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक, डू इट योर सेल्फ बुक्स आर टॉकिंग टू मी, लाइफ के बारे में, मोटिवेशनल के बारे में, अबाउट अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स के बारे में. ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ड्रॉ कर लेती है. आई जस्ट वॉन्ट टू स्पिरिचुअली, आई थिंक एज आई एम ग्रोइंग, यू नो, मोर एंड मोर डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स आई लाइक टू रीड. बट ऑफकोर्स माई वेरी फेवरेट ऑथर हैज़ ऑलवेज बिन जॉन ग्रिशम, बिकॉज वह बहुत ही फास्ट स्टोरीज लिखते हैं, कोर्ट केसेस. आई लव रीडिंग बुक्स अबाउट दैट. यू नो, रियलिटी शोज बहुत ही अनरियल होते हैं आजकल, एंड आई डोंट वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट बी फेक. एक ज़माना था जब रियलिटी शोज आपके रियल साइड को दिखाते थे. इनफैक्ट खुद आर्टिस्ट को पता नहीं चल रहा था कि मैं वैसी थी. जैसे कि जब हम लोग ने बिग बॉस किया था, तब मुझे भी पता नहीं था कि मैं ऐसी ही हूँ, इतनी शांत, वेल सॉर्टेड, बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आई एम वेरी लाइक, यू नो, फायरी, आई गॉट अ हॉट टेम्पर. लेकिन लोगों के बीच में आई एम प्रीटी मच द प्रॉब्लम सॉल्वर, आई कैन अंडरस्टैंड पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम एम्पथेटिक. सो आई थिंक रियलिटी शोज आर नॉट रियल एनी मोर. आई डोंट वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ इट अनलेस आई जस्ट वॉन्ट अर्न मनी. मैं बस कहना चाहूँगी कि अगर आपकी सोच वहाँ तक आपको नहीं लेके जाती है, अगर आपकी ड्रीम्स लार्जर देन लाइफ नहीं है, तो देन यू आर नॉट ड्रीमिंग. या लाइफ बहुत छोटी है, सपने तो बड़े सोचो, या एंड ट्रस्ट मी, दे विल कम ट्रू.